नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण और झारखंड के धनबाद में हुए तीसरे चरण का मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं विभिन्न बूथों को मिलाकर 50 से 70% मतदान दर्ज किए गए। इसके अलावे कुछ बूथों पर EVM मशीन खराब होने की वजह से मतदान प्रक्रिया में घंटों विलंब हुई, जिससे मतदाताओं में नाराज़गी देखी गई। वहीं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था पे लोगों ने अच्छा प्रतिक्रिया दिया और इस व्यवस्था को सराहा। वहीं धनबाद में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुछ दिलचस्प बातें भी देखी गई। झरिया के जामाडोगा काली मेला निवासी नरेंद्र साव की शादी होनी थी और वो बारात लेकर बिहार शरीफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मतदान को पहली प्राथमिकता दी और सीधे मतदान केंद्र पहुँचे और अपने वोट, अपने मत का, मत अधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा 110 वर्षीय हाजरा खातून ने अपने जीवन का पहला मतदान किया और इस दौरान उसके चेहरे पे एक खुशी देखी गई। वहीं इस सिलसिलाती धूप में मुस्लिम समुदाय के रोजगारों ने भी मतदान के प्रति काफ़ी उत्साह दिखाया और जमकर मतदान किया। इस दौरान दिव्यांगों को भी देखा गया कि मतदान केंद्र पहुँचे और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो आइए चलते हैं धनबाद और देखते हैं चुनावी प्रक्रिया को, किस तरह से वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया चल रही है और लोगों का क्या कहना है। लोकसभा उनके इलेक्शन, संसद इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण ढंग से, टोटल हमारा 2378 बूथ में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। और भी करीब 6-7 बूथ में अभी भी वोटिंग चल रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट कंसर्न जो है हमारे जिला में जो वोटिंग हुआ है, दैट इज अराउंड 56.5% हमारा जिला का वोटिंग हुआ। और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है सिंदली का 69%, निरसा 66, धनबाद 54, जरिया 52, कुंडली 68, बाबमारा 69, 66, धनबाद 54, जरिया 52, कुंडली 68, बाबमारा 60। सो करीब हम लोगों का सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। और भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और भी थोड़ा अभी कुछ बूथ में वोटिंग चल रहा है। मुझे धनबाद लोकसभा में कितना है, धनबाद लोकसभा का जो वोटिंग है जिसमें बोकारो चंदनकियारी भी इंक्लूड है, बोकारो का परसेंटेज 52.62 है, चंदनकियारी का 73% है। धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंस का जो परसेंटेज है, दैट इज अराउंड 60% है, 59.7%। कितना हम लोगों का जिला का जो परसेंटेज है, 2014 का तुलना में जो है
2014 में इट इज़ अराउंड 56.13%, अभी 56.5% है हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो गेम में कुछ नहीं कर, थोड़ा बहुत हुआ है और एक्सपेक्ट करें कि अभी और एक घंटा में अभी गेम के चल रहा है। कोला कुशवा में जो चल रहा है सर, कुछ जनप्रतिनिधि ने शिकायत किया था। आज धनबाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है, हम लोग अग्यार कुंड प्रखंड के बूथ नंबर 273 में हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ वोट किस तरह चल रहा है, और जो लोग वोट देकर निकले हैं हम लोग देख रहे हैं कि उनके चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट है, और इतनी शिद्दत गर्मी के बावजूद भी ये लोग वोट दिए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कि जब वो वोट दिए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन है, मैं 372 का मतदान कर्मी हूँ, और हमने वोट पहले वोट किया उसके बाद जलपान किया। ऐसे तो मैं रोजा में हूँ, उसका रोजा रख कर भी इतना गर्मी में हमने यहाँ पर वोट किया है। और सभी जनता से भी अपील है कि आप लोग भी मतदान करें, मतदान देश का भविष्य है। वो तो आपने मतदान किया वो ठीक है, आप जब वोट दिए तो क्या था आपका कंसेप्ट, क्या था, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? मैंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है, यहाँ पे हम लोग का निशा क्षेत्र जो है बेरोजगारी बहुत है, इसलिए हम लोग बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। इसके साथ साथ कोल इंडिया का भविष्य को बचाने का बेरोजगारी है। निरसा क्षेत्र में प्रॉब्लम और क्या है? निरसा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेरोजगारी ही है। अच्छा। यहाँ पे रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। बिल्कुल दे चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मिस्टर सूर्यदेव सिंह। अच्छा, आप जब वोट दिए तब तो माइंड में क्या कंसेप्ट था? पहला मैंने मुद्दा क्या था कि इस वोट हमको देना चाहिए? पहला मुद्दा था धनबाद का कोई जुआ जो है कर्मठ, जो धनबाद के लिए कुछ कर सके, वैसे लोगों को मैंने जीत कर सांसद को ले जाना, शासन पहुंचाना। अच्छा, तो धनबाद का मैंने क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है धनबाद में अभी? धनबाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। धनबाद में हमारा जो है एम्स की जो बात थी वो मैंने सांसद महोदय के क्या बोले विफलता के कारण जो है वो चला गया, वहाँ पे हवाई अड्डा चला गया, बिजली पानी की समस्या धनबाद के हैं। सांसद धनबाद में जितनी परेशानी है शायद उतनी परेशानी और सब जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ नहीं है। आप वोट दिए कैसे इंतजाम लगा, पानी उनी का इंतजाम सब ठीक ठाक था हमारे यहाँ? हाँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा, पूरे धनबाद में शायद एक नंबर में होगा हमारा बूथ। अच्छा, ये और आपका बूथ में लोग वोट करने आ रहे हैं इतना गर्मी में? जी बिल्कुल आ रहे हैं, मैं खुद अपनी पत्नी को बोला भैया जाओ वोट दे कर आओ। आपको कैसा लगता है कितना परसेंट ला जाएगा वोट लास्ट तक? यहाँ पे 80% वोट हो जाएगा? 80% नहीं होगा आपका, 50 और 60 के बीच में रहेगा। चलिए, ये है कि इलेक्शन कमीशन जो इंतजाम किया बहुत मैंने अच्छे माहौल में वोट दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद बोलिए। बिल्कुल धन्यवाद देंगे, धन्यवाद मैं देता हूँ इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, उन्होंने अच्छा इंतजाम किया। जी जी, जाने का टाइम में कोई कहीं कहीं परेशानी बूथ में वोट देने के टाइम में कोई कहीं नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी? जी नहीं। सर इसमें इसका नाम बोल रहे हैं, अगर इनका नाम 306 में हो या 304 में हो, 307 में हो और 305 में, हम कैसे करवा सकते हैं? कि हमारे ग्रामीण भाइयों का बहुत सारे वोटर लिस्ट से नाम कट चुकी है और उनको वोट देने का अधिकार नहीं, जबकि वोटर कार्ड आधार कार्ड दोनों प्राप्त। ये परेशानी है हो रहा है, ये बूथ है आपको 307 306 वो कहाँ पे है? दो तीन बूथ अभी प्रेजेंट आते थे, मिला 10 आदमी को घर पे नहीं मिला, अभी एक आदमी सिर्फ मिला मेरे वाइफ को, और बाकी दो भाई का नाम हमारे भाई को। आप सबका नाम कार्ड है ना, आप लोग वोटर कार्ड है, सब कुछ वोटर का काम नहीं चल रहा है, नहीं है 307 अधिकारी से बात किए क्या आप लोग? भाई हमें जाकर बोलने नहीं जाएगी, वोट देने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से आदमी वोट दे रहे, सुबह में भी वोट दिए, सभी आके निश्चित होकर सब वोट देके जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत अभी तक नहीं दिखा, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं, परेशानी आराम से शांतिपूर्वक वोट हो रहे हैं। अच्छा लगा, अच्छा बात है। कोई मैडम कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, शांतिपूर्वक वोट हो रही है। क्या हमारा फैमिली में से एक आदमी वोट मिला, बाकी किसी वोट ही नहीं मिला 311 में?
आपको परेशानी क्या है सर? इनका कहना का मतलब है कि हमारे एक सदस्य का घर का यहीं पे हमने वोट डाला, ठीक है, उनके पास पहचान कार्ड भी हम लोग का भी फंड हम लोग वोट दिए ऐसा नहीं दीदी ने लिस्ट में चेक किया है यहाँ यहाँ है तो लिस्ट में लिस्ट में नाम है लिस्ट में नाम नहीं आ रहा ना आपका नाम नहीं है नाम नहीं रहने के कारण से भी ये कारण तो आप लोग को 498 के तहत आप लोग देने का अधिकार है लिस्ट में नाम है तब दे सकते हैं ठीक है आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं है वोटर लिस्ट में तो आप नहीं और अगर वोटर कार्ड इनके पास है आधार कार्ड है इस आधार पे वोट नहीं दे सकते कहीं नहीं दे इनका नाम रहेगा अच्छा इनका नाम रहेगा तो अगर लिस्ट में नाम नहीं रहेंगे तो वोट दे नहीं सकते आपका कहने का मतलब है ये ना अच्छा आप किस पद पे है और क्या नाम है सर प्रेजाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह मैडम आप लोग वोट देने आए कहीं कोई परेशानी हो रही है कोई परेशानी नहीं है ठीक है शांतिपूर्वक वोट हो रही है आप लोगों को कोई परेशानी है वोट देने में क्या परेशानी आ रही है आपको परेशानी सीनियर सिटीजन लोग के लिए अलग भी होना चाहिए क्यों अच्छा उसके लिए परेशानी हो रही है ना परेशानी हो रही है अच्छा और कुछ दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं अच्छा आप वोट देना चाहते हैं विकास के नाम वोट देना चाहते हैं विकास के नाम पे अच्छा अभी वोट डाल दिए क्या हम वोट डाल दिए अच्छा अब वोट पुलिंग बूथ सब सही हो रहा है एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं है नहीं कोई दिक्कत नहीं वोट देना चाह रहे हैं आप किस मुद्दे पर वोट में जैसे वोट दे रहे हैं कोई परेशानी परेशानी क्या बस देश के लिए अच्छा कोई दिक्कत वोट देने में कोई दिक्कत मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई परेशानी हो रहा है पानी उनी का यहाँ व्यवस्था टाइट है वे किस मुद्दे पर वोट देना जा रहे हैं देश का विकास के मुद्दे अच्छा क्या धनबाद में समस्या हम लोग वोट देंगे अच्छा नेतृत्व दिल्ली में बैठेगा और वोट जैसे देने नेतृत्व बैठेगा तो देश का विकास होगा यही हमारा मुद्दा है अच्छा ठीक बहुत थोड़ा जल्दी इलेक्शन में वोट देने जा रहे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं शांतिपूर्वक वोट हो रहा है गर्मी का है सामना कर रहे हैं ठीक यहाँ वोट शांतिपूर्वक हो रही है कोई कहीं दिक्कत नहीं है मशीन सब ठीक चल रहा है कोई बदमाशी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है कोई रकम का कोई परेशानी आप लोगों को कोई परेशानी बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है मशीन सब ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर धूप में रहना पड़ रहा है अच्छा धूप में रहना पड़ रहा है उसके लिए पानी का व्यवस्था की है कुछ नहीं किया अच्छा कुछ नहीं किया वही परेशानी है ना ठीक है बोलिए भैया ठीक हो रहा है ना मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग यहाँ जो वोट दे रहे हैं कहीं परेशानी कुछ भी नहीं है ना शांतिपूर्वक वोट हो रहा है ना शांतिपूर्वक वोट हो रहा है अच्छा कोई परेशानी नहीं है अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं अच्छा आदमी जाने का दिक्कत हो रहा है यहाँ पर जो उन लोग को बोले हैं आप लोग क्लियर करने के लिए जो यहाँ पर है बोले नहीं कैसे जाइए अच्छा आदमी जाने का यहाँ दिक्कत है भाई साहब ने बोले और कोई दिक्कत है दादा शांतिपूर्वक वोट हो रहा है ना मशीन सब ठीक चल रहा है ना किस मुद्दा पे वोट करना चाहते हैं आप हम सोचते हैं यहाँ का जो विकास है जो नहीं हो पाया 3-4 साल में 5 साल में वो विकास हो रोजगार से बहुत सारा आदमी है परेशान है युवा लोग उन लोग को रोजगार मिले बस यही मुद्दा पे बात करना चाहेंगे अच्छा चलिए चलिए मैं मधु बुराई सीएफएन न्यूज कौनसिल मिनट हमें आप देख रहे हैं क्या सिल्लीबाड़ी का वोट हो रहा है और यहाँ शांतिपूर्वक वोट हो रहा है